पोर्शे एक ऐसा नाम जिसे जाना जाता है अपने स्पोर्ट्स कार, एसयूवी और सेडान जैसी कार्स बनाने के लिए। जो कोई भी कार्स में दिलचस्प रखता है, ऐसा हो ही नहीं सकता उसने पोर्शे के बारे में ना सुना हो। अगर आप पोर्शे के डाई हार्ट फैन हैं, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द फैक्ट नॉलेज को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सके। नंबर 14। इस कंपनी की शुरुआत 1931 में फर्डिनेंड पोर्शे ने की थी, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। नंबर 13। पोर्शे के लोगों को काफी हद तक फरारी लोगों से जोड़कर देखा जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इन दोनों कंपनी की इंस्पिरेशन एक ही है, जिनका नाम है फ्रांसेस्को बेरक्का। इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में इटली की ओर से फाइटर प्लेन उड़ाया था। इनके फाइटर प्लेन की दोनों तरफ दो फैंसी घोड़े बने हुए थे, और यही फैंसी घोड़ा पोर्शे के लोगो में भी बना हुआ है, और ये ब्लैक एंड रेड स्ट्राइप्स रिप्रेजेंट करता है जर्मनी के स्टेट वर्टेम्बर्ग के कलर को। वहीं अगर हम बात करें इस सिंबल की, तो ये है स्वयं डियर के सिंह, जिन्हें हम बारह सिंगा के नाम से भी जानते हैं। नंबर 12। पोर्शे द्वारा बनाए गए अब तक के सबसे सस्ते मॉडल का नाम है पोर्शे मैकन। इस कार को 2013 में लॉन्च किया गया था। बात करें प्राइस की, तो वो है $52,100, यानी कि $38,80,000। वहीं अगर हम बात करें सबसे महंगे मॉडल की, तो वो है पोर्शे 917 के। इस कार से 1970 और 1971 में हुए 24 घंटे के लीमंस रेस को जीता गया था, जो कि 2017 के सोल्डेड ऑक्शन में 14 मिलियन में बिका था, यानी कि 104,26,00,000। नंबर 11। पोर्शे द्वारा बनाए गए सबसे पहले मॉडल का नाम है वोल्क्सवैगन बीटल। दरअसल 1934 में हिटलर ने फर्डिनेंड पोर्शे को लोगों के लिए कार बनाने का आदेश दिया था। इस मॉडल की कुल 21 मिलियन कारों को बनाया गया था। इस कार को बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 में यूज किया गया था, सामान इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। नंबर 10। पोर्शे को अपने हर एक कार बेचने पर $23,200 तक का प्रॉफिट होता है, जो कि किसी भी बड़े कार निर्माता कंपनीज में से सबसे ज्यादा है, लाइक लेम्बोर्गिनी, बेंटले, रोल्स रॉयस एंड मेनी मोर। नंबर 9। पोर्शे 911, जो कि पोर्शे द्वारा बेचे गए अब तक के सबसे पॉपुलर और सक्सेसफुल मॉडल्स में से एक है। 1983 में आई इस मॉडल को शुरुआत में 901 के नाम से जाना जाता था। पोर्शे द्वारा बेचे गए इस मॉडल के शुरुआती 82 कार्स का नाम पोर्शे 901 था। फिर बाद में इस मॉडल के 3 डिजिट्स में से 0 को हटा दिया गया, उसकी जगह नंबर 1 को प्रेफर किया गया, तभी से इस कार का नाम पोर्शे 911 पड़ा। और 1963 से लेकर 1920 तक इस मॉडल की कुल 1 मिलियन कार्स बिक चुके हैं, जिसमें से 80% कार्स आज भी सड़क पर दौड़ रही है। नंबर 8। पोर्शे द्वारा बनाए गए अब तक के सबसे फास्टेस्ट कार का नाम है पोर्शे 911 GT RS। इस कार में 4.0 लीटर का 6 सिलेंडर हाई स्पीड नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया गया है, जो कि 550 तक का हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। बात करें प्राइस की, तो वो है $1,40,00,000। नंबर 7। फर्डिनेंड पोर्शे जब मैच 22 साल के थे, इन्होंने 1899 में दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया था। इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इनको मोस्ट इनोवेटिव इन्वेंशन ऑफ द ईयर से सम्मानित भी किया गया था। इस इलेक्ट्रिक व्हीकल में लेड एसिड बैटरीज और ऑनबोर्ड जनरेटर लगे हुए थे, जिस वजह से ये व्हीकल 31 माइल्स पर आवर की स्पीड से, यानी कि 49 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती थी। नंबर 6। पोर्शे ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने 1986 में यूएस में एक कार को लॉन्च किया था, जिसका नाम है पोर्शे 944। इस कार के ड्राइवर सीट और पैसेंजर सीट में एयरबैग्स दिए गए थे। 1988 से पहले कोई भी कंपनी अपने कार में एयरबैग्स नहीं देती थी। अगर किसी को एयरबैग्स लगवाना होता था, तो उसे कंपनी को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था। नंबर 5। पोर्शे कार्स के अलावा भी कई सारी चीजों को बनाकर बेचती है, लाइक ट्रैक्टर्स, फोर्कलिफ्ट्स, एयरक्राफ्ट इंजन्स, ग्रिल, स्पोर्ट्स बैग्स, वॉचेस, ब्लैकबेरी फोन्स, जैकेट्स, सनग्लासेस, डेक्स लैंप, रनिंग शूज, पेन, ड्राइविंग ग्लव्स और पॉकेट कटर एक्सेट्रा। नंबर 4। अगर हम बात करें वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कार ब्रांड्स के बारे में, तो पोर्शे इस लिस्ट में $34.32 बिलियन के साथ 5वें नंबर पर आता है। वहीं अगर हम बात करें पहले ब्रांड की, तो वो है टोयोटा विद अ टैग ऑफ $59.47 बिलियन। ऐसे ही सेकंड नंबर पर है मर्सिडीज बेंज, थर्ड नंबर पर है वोल्क्सवैगन, फोर्थ नंबर पर है BMW, बाकी के आप देख सकते हैं। नंबर 3। इस कंपनी का हेडक्वार्टर जर्मनी के स्टुटगार्ट में स्थित है। यहाँ पर 30,500 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज वर्क करते हैं। यह कंपनी हर साल 272,162 के करीब कार्स बनाकर बेच देती है। वही अगर हम बात करें इस कंपनी के टोटल नेटवर्क की, तो वो है $34 बिलियन। नंबर 2। 2017 में पोर्शे ने अपने कार पोर्शे काइनी की मदद से फ्रांस के A380 एयरबस पैसेंजर एयरक्राफ्ट, जिसका वजन है 285 टन,
इसको 42 मीटर तक खींचकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। नंबर वन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पोर्शे को अपने लग्जरियस कार बनाने के लिए भी जाना जाता है, लेकिन इस कंपनी की कार्स को सिर्फ लग्जरियस कार बनाने के लिए ही नहीं बल्कि इस कंपनी को अपने स्पोर्ट्स कार बनाने के लिए भी जाना जाता है। इसलिए तो इस कंपनी ने 24,000 से भी ज्यादा कार्स रेस टाइटल अपने नाम कर रखा है, जिसमें 18 टाइटल तो 24 घंटे के लीमंस रेस की है। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।